दे रखी है। अब मुद्दा है साहब इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। इनपुट टैक्स क्रेडिट अब आप सभी के सामने, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर क्या डिस्कशन है। देखिए साहब, आपके पास यहां पर दो क्लॉजेज आएंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्लॉज सी और क्लॉज डी। सर ये क्लॉज किसके हैं? सब सेक्शन फाइव। सर सेक्शन क्या है? सेक्शन 17, सब सेक्शन 5, क्लॉज सी और क्लॉज डी। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या बोलता है? क्लॉज सी बोलता है अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को या तो आप फर्दर सप्लाई में यूज करोगे। सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्दर सप्लाई? फर्दर सप्लाई का क्या मतलब है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि मैं हूं मेन कॉन्ट्रैक्टर। मैं कौन हूं? मेन कॉन्ट्रैक्टर। आगे कौन है मेरा क्लाइंट? आगे कौन है मेरा क्लाइंट? और पीछे है सब कॉन्ट्रैक्टर। पीछे कौन है? सब कॉन्ट्रैक्टर। तो मैंने जो है सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली है, मैंने पीछे से सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ली ताकि मैं इसे आगे मेरे क्लाइंट को दे सकूं। इसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो यहां पर ये क्या हो रहा है? मैं जो पीछे से सब कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस ले रहा हूं, ये सर्विस मैं क्यों ले रहा हूं साहब? फर्दर सप्लाई करने के लिए। आगे फर्दर सप्लाई करने के लिए पीछे से ये सर्विस मैं ले रहा हूं। तो हमने देखा साहब, अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस फर्दर सप्लाई के लिए ले रहे हो, यानी कि आप इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस उसे आगे पास ऑन करोगे। खुद के यूज के लिए नहीं ले रहा मैं अपने खुद के यूज के लिए नहीं ले रहा, मैं आगे क्लाइंट को देने के लिए पीछे से सर्विस ले रहा हूं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, क्या मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? फॉर एग्जांपल यहां पर 18% अगर लगा हुआ है तो क्या इस 18% का क्रेडिट ये मेन कॉन्ट्रैक्टर अंकल ले सकते हैं? द आंसर इज यस, ले सकते हैं। यहां पर आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है साहब कि अगर मैं इसे ऑन यूज लेता, यानी कि अब मैं शिफ्ट हो चुका हूं किस पर? क्लाइंट पर। अब मैं क्लाइंट की बात कर रहा हूं कि क्लाइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा। अगर क्लाइंट ले रहा है तो वो ऑन यूज के लिए ले रहा है, वो अपने बिजनेस में इसे यूज कर रहा है, वो आगे इसे फर्दर सप्लाई नहीं करेगा, आगे पास ऑन नहीं करेगा, वो अपने बिजनेस के यूज में ले रहा है। तो यहां साहब डिपेंड करेगा, यह डिपेंड करेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। किसके ऊपर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर आप इस खर्चे को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर रहे हो या आप इसे पीएनएल में डेबिट कर रहे हो, खर्चा दिखा रहे हो पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या इसे आप बैलेंस शीट में कैपिटलाइज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कैपिटलाइज करोगे क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर आप पीएनएल में डेबिट करोगे तो आपको यहां पर क्रेडिट मिल जाएगा। क्या देखा मैंने? प्रोविजन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फर्दर डिस्कशन करेंगे। क्या देखा मैंने? कैपिटलाइज अगर कर रहा हूं क्रेडिट नहीं देंगे, पीएनएल में डेबिट करूंगा क्रेडिट मिल जाएगा। ऑन यूज की बात कर रहा हूं, मतलब मैं इसे धंधे में यूज कर रहा हूं। हमारे डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर क्लाइंट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। पहले बात किसकी करी थी मैंने? फर्दर सप्लाई, जहां पर मैं मेन कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा था। तो मेन कॉन्ट्रैक्टर को तो क्रेडिट दे देंगे साहब, क्योंकि वो धंधे में आगे देने के लिए ले रहा है, वो अपने खुद के बिजनेस यूज के लिए तो ले नहीं रहा, वो तो आगे देगा इसलिए पीछे से ले रहा है। लेकिन अब बात करी क्लाइंट की, तो साहब क्लाइंट में हमने देखा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कैपिटलाइज करोगे नहीं मिलेगा, पीएनएल में डेबिट करोगे मिलेगा। मुद्दा यह है साहब, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। मैं अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं कर सकता, मुझे अकाउंटिंग करने के जो नियम बना रखे हैं उन नियमों के हिसाब से ही अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका आता है 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है 10। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बोलता है कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हो तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में आपको जितना भी खर्चा आपने उसके फर्स्ट रन तक करा है, जितना भी खर्चा आपने उसके फर्स्ट रन तक करा है, अगर वो प्लांट एंड मशीनरी है तो फर्स्ट रन, और अगर कुछ बना के तैयार कर रहे हो तो उसके फाइनल कंप्लीशन तक जितना भी एक्सपेंस आपने किया है। तो हम डिस्कस कर रहे थे साहब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। हमने कहा जी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पर एप्लीकेबल होते हैं, हर कॉर्पोरेट एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम IFRS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो आप पर एप्लीकेबल होते हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको अकाउंटिंग करनी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है क्या करने के लिए? कैपिटलाइज करने के लिए। वो बोलता है कैपिटलाइज करने के लिए, तो आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, आप पीएनएल में डेबिट कर ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, ये हमने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब दो मिनट अगर मैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करूं, तो इनकम टैक्स के अंदर आपको कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जो हम भी कैपिटल गुड्स ही बोलते हैं जीएसटी के अंदर। कैपिटल गुड्स में जितना भी आपने एडिशन किया है, जितना भी आपने
एडिशन किया है उसे आपको उसकी वैल्यू में ही ऐड करना होता है, और बाद में आप डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स लॉ जो आपको मिलता है उसका बेनिफिट पीएनएल में डेबिट करके लेते हैं। यानी इनकम टैक्स के अंदर भी अगर मैं पीएनएल में डेबिट कर देता हूं तो मुझे डिसअलाउ कर देगा, वो मुझे पूरा का पूरा खर्चा क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, यानी वहां पर भी मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा इनकम टैक्स में भी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूंगा, कैपिटलाइज करना है, और इनकम टैक्स में भी देखा जाए तो कैपिटलाइज ही करना है, यानी कि हम पीएनएल में डेबिट कर ही नहीं सकते। रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पीएनएल में डेबिट नहीं करने देंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो कैपिटल गुड्स है, नहीं करने देंगे साहब। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि आपके पास में हमेशा आईटीसी क्या रहेगा, ब्लॉक ही रहेगा, अगर आप अपने बिजनेस में उसे यूज करने के लिए ले रहे हैं तो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में। दिस इज समथिंग दैट वी हैव एनालाइज्ड। अब बात करता हूं मैं किसकी, ये क्लॉज सी हमने कंप्लीट करा, क्लॉज सी जहां पर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई। गवर्नमेंट इतनी होशियार है, गवर्नमेंट ने कहा साहब ये लोग क्या करेंगे, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ना करके सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मटेरियल अलग से लेंगे, लेबर अलग से लेंगे, और फिर बनवा लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ने डाल दिया क्लॉज डी और बोला कि साहब अगर आप मटेरियल और लेबर अलग अलग भी करोगे तो भी हम इसी तरह से आपका आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। देखो अगर मैं मटेरियल लेबर ला रहा हूं क्योंकि आगे मुझे उस मटेरियल और लेबर को लगाना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला एग्जांपल, अगर मैं मटेरियल और लेबर पीछे से लेकर आ रहा हूं क्योंकि आगे मुझे यूज करना है क्लाइंट को देने के लिए फर्दर सप्लाई, तो उस मटेरियल और लेबर का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी साहब, वहां पर हम आपको आईटीसी दिलवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं खुद खरीद के ला रहा हूं और खुद ही अपने बिजनेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा हूं तो बिल्कुल सेम टू सेम वहां पर यही देखा जाएगा कि कैपिटलाइज करा है या पीएनएल में डेबिट करा है। अगर कैपिटलाइज करा है क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आपने पीएनएल में डेबिट करा है तो वहां पर हम आपको आईटीसी दे देंगे। लेकिन हम ऑलरेडी ये चीज एनालाइज कर चुके हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो कॉर्पोरेट्स पे एप्लीकेबल होगा, इनकम टैक्स जो एवरी पर्सन इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट हो आप पर एप्लीकेबल होगा, अगर आप अपने पीएनएल में डेबिट करते हैं आपको डिसअलाउ कर देंगे इनकम टैक्स के अंदर, वहां पर इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन आपको बेनिफिट मिलकर चलता है, आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको यहां पर आईटीसी ब्लॉक हो ही जाएगा। तो जो इंटेंट है वो ये है। अब हम बात करते हैं साहब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि चाहे मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करूं चाहे मैं मटेरियल और लेबर सेपरेटली देखूं, दोनों ही केसेस में मेरा आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा टिल एंड अंटिल मैं उसे आगे यूज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस यूज ना कर रहा हूं, यानी कि फर्दर सप्लाई ना हो। सफारी रिट्रीट्स इन द केस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट, उड़ीसा हाईकोर्ट के अंदर सफारी रिट्रीट्स के केस में जो डिसीजन दिया गया वो असीसी के फेवर में था, और वहां पर ये बोला गया कि साहब ये क्लॉज सी और क्लॉज डी जो आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज था जीएसटी लाने का उसके अल्ट्रा वायर्स है, उसके अगेंस्ट है। हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज था 2017 में जब जीएसटी लेकर आए कि साहब फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, अगर मैं बिजनेस यूज कर रहा हूं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर मैं किसी भी इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स को यूज कर रहा हूं तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए, देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट इन जीएसटी, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ जीएसटी। बट आपने क्या करा यहां पर, आपने क्लॉज सी और क्लॉज डी डालकर ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए और मेरा क्रेडिट आपने ब्लॉक कर दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 आपने बना दिया। तो दिस इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसलिए सफारी रिट्रीट्स के केस में उड़ीसा हाईकोर्ट ने जजमेंट हमें दिया कि साहब क्रेडिट मिलना चाहिए, असीसी के फेवर में था, लेकिन इट इज सब जुडाइज टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है उस ऑर्डर के ऊपर, अभी सुप्रीम कोर्ट में ही फैसला होगा कि इसका क्रेडिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो दिस इज वॉट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखते हैं साहब कि अगर बात हो रही है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे मटीरियल प्लस लेबर हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे मटेरियल प्लस लेबर हो, अगर बात हो रही है प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा, द आंसर इज यस, यहां मुझे क्रेडिट मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी या उसका अगर कोई फाउंडेशन है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, तो वहां पर भी मुझे पूरा का पूरा क्रेडिट मिलकर चलेगा। अब मुद्दे की बात आती है साहब कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की परिभाषा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी से आप क्या समझकर चलते हैं, What do you mean by plant and machinery? तो plant and machinery को explanation के अंदर define किया गया, बोला गया, चाहे कोई apparatus हो, equipment हो, चाहे machinery हो, क्या बोला? Apparatus, equipment और machinery, जो कि fixed होनी चाहिए earth के साथ, fixed to earth by foundation or structural support. पहली condition, plant and machinery की definition की पहली condition, fixed to earth होना जरूरी है।
अर्थ के साथ फिक्स होना जरूरी है। यानी कि अगर कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी है जिसे आप पूरी फैक्ट्री में या पूरी प्रीमाइसेस में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, वो टायर्स के ऊपर है, वो मूव हो सकती है, तो क्या वो यहां पर प्लांट एंड मशीनरी बनेगा? द आंसर इज नो, वो यहां पर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनेगा, वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनेगा, यानी कि फिक्स्ड टू अर्थ होना जरूरी है। अगली चीज साहब, फर्दर सप्लाई में काम आनी चाहिए। अगर प्लांट एंड मशीनरी मेरी है, मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो डेफिनेटली वो आउटवर्ड सप्लाई करने में मेरे काम आनी चाहिए, यानी बिजनेस पर्पज में यूज होनी चाहिए। दो कंडीशंस मैंने देखी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल प्लस लेबर। चाहे मैं प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में यूज करूं, मेरे को क्रेडिट मिलेगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। अब बात आई साहब प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है, तो हमने देखा एपरेटस, इक्विपमेंट या मशीनरी, फिक्स्ड टू अर्थ एंड यूज्ड फॉर द आउटवर्ड सप्लाई, वो मेरे पास में प्लांट एंड मशीनरी बनेगा। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी के अंदर उसका फाउंडेशन और उसका स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी इंक्लूड माना जाएगा। हम करते हैं आपके लिए फुल स्क्रीन ताकि आप अच्छे से देख सके। देखिए साहब क्या बोला मैंने, फिक्स्ड टू अर्थ होना चाहिए और आउटवर्ड सप्लाई में काम आना चाहिए, प्लस उसका जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट है या जो फाउंडेशन है वो भी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट बनेगा। ये इमेज आप सभी के सामने आप देख रहे हैं, इस इमेज के अंदर आप देख रहे हैं कि नीचे ये देखिए साहब एक इस तरीके का कुछ तो फाउंडेशन बना रखा है, ये फाउंडेशन है, प्लस ये देखिए आप यहां पर कुछ आपके पास खंबे खड़े, इन खंबों के थ्रू, इन आयरन ऑर के थ्रू इसे यहां पर क्या किया गया है साहब, फिक्स किया गया, मशीन को क्या किया, परमानेंटली फास्टन किया गया। तो मुझे यहां पर कुछ पिलर्स दिख रहे हैं, कुछ नीचे फाउंडेशन दिख रहा है मशीन का, और उसके ऊपर ये मशीन को फिक्स किया गया है, तो इसे हम बोलेंगे फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। अब अगर ये फाउंडेशन बनाने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करा है, अगर ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाने के लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करा है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? हाँ जी साहब, मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में है। किसके रेस्पेक्ट में है? प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में। अगर सर ये प्लांट एंड मशीनरी बनाने का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता तो भी आपको यहां पर पूरा का पूरा ITC मिल जाता, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एक और इमेज देखते हैं साहब, ये इमेज अब आपकी स्क्रीन पर है। इस इमेज के अंदर आप देखेंगे कि क्या देख रहे हैं सर, सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन है, मशीन अभी नहीं लगाई है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या तैयार करा है, एक तरीके का नीचे फाउंडेशन तैयार करा है, अर्थ के अंदर, लैंड के अंदर आपने देखा खोद कर उन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करा, स्ट्रक्चर तैयार करा, और उसके ऊपर अब हम मशीन को फिट करेंगे, तो क्या इसके रेस्पेक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ITC मिलेगा? द आंसर इज यस, मुझे ITC मिलेगा। तो हमने देखा साहब कि प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ऑलवेज अवेलेबल, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट वो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ होनी चाहिए और आपके आउटवर्ड सप्लाई में उसका यूज होना चाहिए। अब बात आती है साहब कि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्या प्लांट एंड मशीनरी नहीं है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त। हमने क्या करा, इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक्सक्लूड कर दिया प्लांट एंड मशीनरी को। अब प्लांट एंड मशीनरी में से जो चीज एक्सक्लूड होगी वो किसमें जाके मिल जाएगी? वापस इमूवेबल प्रॉपर्टी में। एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन इंक्लूजन, तो हम अब देख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी का एक्सक्लूजन। तो प्लांट एंड मशीनरी का एक्सक्लूजन में सबसे पहली चीज, सबसे कॉमन सेंस की बात, लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर। भाई साहब मुझे भी पता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, फिर भी क्लेरिफिकेशन के लिए इन्होंने लिख दिया साहब, एक्सप्लेनेशन डालकर, कि हम प्लांट एंड मशीनरी में क्या नहीं इंक्लूड करेंगे, लैंड, बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, अदर सिविल स्ट्रक्चर, मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा अगर कोई सिविल स्ट्रक्चर बनाया है तो वो यहां नहीं इंक्लूड होगा, यानी कि इस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये वापस इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसे हमने 17(5)(c) और 17(5)(d) में ITC ब्लॉक किया था। अगला साहब, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स की बात नहीं हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन टावर की बात हो रही है सर, ये भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। हाँ, ये भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, इस पे भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरी कंडीशन है साहब, पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी कि साहब अगर कोई भी पाइपलाइंस जो आपके पास फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर बिछाई गई हैं, वो भी आपके पास में यहां पर प्लांट एंड मशीनरी नहीं बनेगी, क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। अगर इनसाइड दी आपके पास में फैक्ट्री है, इनसाइड दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस, तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो प्लांट एंड मशीनरी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर रही है तो वहां पर क्रेडिट आपको मिल जाएगा, अगर इनसाइड दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस है। आउटसाइड दी फैक्ट्री प्रीमाइसेस को स्पेसिफिकली बाहर कर दिया है, क्रेडिट वहां पर ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने ITC डिस्कस कर लिया प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, और अब हमारे यहां पर ITC का डिस्कशन पूरा होता है। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ केस स्टडी। अब हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे यहां पर। फाल्गुनी एंटरप्राइजेस बुक्ड अ ऑफिस आफ्टर टेकिंग पोजीशन। फाल्गुनी एंटरप्राइजेस आल्सो गेट इट डन सम इंटीरियर वर्क।
एंड जीएसटी हैज ऑल्सो बीन पेड ऑन द सेम. आफ्टर दैट दे लेट आउट द सेड ऑफिस ऑन रेंट एंड चार्ज द जीएसटी ऑन द सेम. क्या बोल रहे हैं साहब? ये बोल रहा है फाल्गुनी एंटरप्राइजेस ने एक ऑफिस खरीदा है, ऑफिस खरीद के उसका इंटीरियर डेकोरेशन करवाया, ऑफिस खरीदा उसका इंटीरियर डेकोरेशन करवाया और इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर जीएसटी का पेमेंट करा. आगे उन्होंने क्या करा, इस ही ऑफिस को फर्दर क्या कर दिया, रेंट पे दे दिया. आगे रेंट पे दे दिया. तो अगर हम डायग्राम बनाए साहब, तो ये देखिए साहब, ऑफिस लिया और आगे रेंट पे दे दिया और इस ऑफिस के रेस्पेक्ट में उन्होंने पीछे से इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विस ली है और आगे ऑफिस को रेंट पे दिया है. इंटीरियर डेकोरेशन पे जीएसटी लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है. और रेंट पे भी जीएसटी लग रहा है क्या? लग रहा है. मेरा सवाल आप सभी से, क्या मैं इस जीएसटी को इस जीएसटी से सेट ऑफ करा सकता हूं क्या? क्या मैं इस जीएसटी को जो मैंने इनपुट पे करा है, इंटीरियर डेकोरेशन की जो सर्विस मैंने ली है उस पे जो मैंने पे करा है, क्या इसे मैं मेरे आउटपुट जीएसटी से जो रेंट पे बन रहा है, जो रेंट की सप्लाई पे बन रहा है, सेट ऑफ करा सकता हूं क्या? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यस और नो, प्लीज आंसर दीजिएगा, यस और नो, क्या मैं इसे सेट ऑफ करा सकता हूं क्या? परफेक्ट रिप्लाई नीरज कुमार जी, पीयूष शर्मा परफेक्ट रिप्लाई, विक्रांत जी परफेक्ट रिप्लाई, एवरीवन परफेक्ट रिप्लाई, बलदेव जी, दलविंदर जी परफेक्ट रिप्लाई, क्या इसे मैं सेट ऑफ करा सकता हूं क्या? जमाल जी, अमर जी परफेक्ट रिप्लाई, संदीप जी परफेक्ट रिप्लाई, परफेक्ट रिप्लाई, अनीता जी का नहीं आया, पूजा जी का नहीं आया, मनप्रीत जी परफेक्ट रिप्लाई, मनप्रीत जी, अनीता जी परफेक्ट रिप्लाई, सभी के परफेक्ट रिप्लाई आ रहे हैं. क्या मैं यहां क्रेडिट सेट ऑफ करा सकता हूं क्या? मैं क्रेडिट सेट ऑफ नहीं करा सकता. सुखविंदर जी परफेक्ट रिप्लाई, जमाल जी का भी रिप्लाई नहीं आया मेरे पास. जमाल जी का आ गया साहब, आ गया जा. जमाल सिंह जी परफेक्ट रिप्लाई, ज्योति सिंधु जी परफेक्ट रिप्लाई, सभी ने मुझे बोला साहब नहीं करा सकते. अभी आपने देखा था, क्या देखा था, कि 17.5C 17.5D में ब्लॉक है. ऑफिस बिल्डिंग आपकी प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, ऑफिस बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, क्रेडिट नहीं मिलेगा. यानी यहां पर ये क्रेडिट आपके पास क्या होने वाला है, यहां पर ये क्रेडिट आपके पास में ब्लॉक होने वाला है. तो हम ये लीजिए साहब, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, ये क्रेडिट मैंने यहां पर ब्लॉक कर दिया, इसका आगे आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा. तो फूलचंद जी ने, उपिंदर सिंह जी ने, सबने बहुत ही शानदार जवाब दिया, ज्योति जी ने, कि साहब यहां पर आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा. इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड समथिंग टू बी नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस.